अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपकी आज लेटेस्ट वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है आज की वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात करने वाले हैं पिक्सआर्ट की एक एप्लीकेशन के ऊपर, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि उसमें कौन कौन से फंक्शन यूज़ होते हैं और आप किस तरह वहाँ से फ़ोटो वगैरह एडिट कर सकते हैं। फुल कोई भी चीज़ कहीं से उठा के हम वहाँ पे लगा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट एडिटिंग कर सकते हैं पिक्सआर्ट के अंदर। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए। तो ऐप अगर आपके पास एप्पल आईफोन है तो एप्पल स्टोर वरना मोबाइल स्टोर से ऐप्स को डाउनलोड करें। दोस्तों आपने सर्च कर लेना है पिक्सआर्ट। दोस्तों पिक्सआर्ट देख सकते हैं कि ऑलरेडी डाउनलोड है। तो दोस्तों इसको ओपन करने या समझाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी ऑन कर दें। बेल आइकन ऑन करने से हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला या कोई सवाल पूछना हो तो दोस्तों आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसका जवाब भी मिल जाएगा। और अगर कोई ऐसे प्रॉपर क्वेश्चन हुआ तो मैं कोशिश करूँगा उस पर एक वीडियो बना के इसी चैनल पर अपलोड कर दूँ। तो दोस्तों अगर आपने और भी टेक या रिव्यूज़ की वीडियोज़ देखनी है या अर्निंग के रिलेटेड तो आप इसी चैनल पर हमारा विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ अपलोडेड है। तो दोस्तों वीडियो एप्लीकेशन को आपने दोस्तों ओपन कर लेना है। दोस्तों एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपने इसको सिंपल साइनअप कर लेना है जी, किसी भी जीमेल अकाउंट से साइनअप कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी साइनअप किया है तो अलाउ दोस्तों जो भी पूछे तो उसका अलाउ करते जाना है आपने। तो दोस्तों अलाउ करने के बाद दोस्तों आपने इसमें कोई भी जो पिक्चर है वो उठा लेनी है दोस्तों। जैसे कि ये मैं पिक्चर एक उठा लेता हूँ दोस्तों सिंपल। दोस्तों ये एक ऐड चल पड़ी है, ऊपर से मैं कट कर देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस पर ओपन हो चुकी है, फ़ोटो सामने आ चुकी है और इसमें बहुत सारे फंक्शन आ रहे हैं। तो दोस्तों आप सबसे पहले फंक्शन पे चले जाते हैं टूल्स के। दोस्तों टूल्स के ऑप्शन में जैसे हम क्लिक करेंगे तो आगे बहुत सारे फंक्शन आ जाते हैं। उसके आगे सब डिवीजन हुई हुई है जिसमें हम क्रॉप कर सकते हैं, फ्री क्रॉप कर सकते हैं, शेप क्रॉप कर सकते हैं। तीन तरह के इसमें क्रॉप का ऑप्शन अवेलेबल है। डिस्पेरेशन है, डिस्पेरेशन है, उसके अलावा क्लोन है अगर हमने किसी चीज़ की कॉपी बनानी है। AI रिप्लेसमेंट है, मतलब कि अगर आप किसी भी कोई भी गैलरी से कोई और चीज़ लेकर आना चाहते हैं, अगर स्ट्रेच करना चाहते हैं, पिक्चर का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको हर चीज़ ओपन करके नहीं दिखा सकता, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कोशिश मेरी यही है कि वीडियो छोटी सी और आपको बात बाकी सारी बात समझ आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे मोशन, अगर आपने कोई भी मोशन चेंज करना है, उसके अलावा दोस्तों अगर आपने सिलेक्शन चेंज करनी है, कर्व्स है, एडजस्ट है, एनहेंस है, टाइम शिफ्ट है और बहुत सारे फंक्शन दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं अवेलेबल है। रिसाइज है, फ्लिप रोटेशन है, AI एनहेंस है, तो इसमें आप देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों FX इफेक्ट है। दोस्तों ये FX इफेक्ट जो है पर ये बहुत ही ज़्यादा कमाल के FX इफेक्ट्स होते हैं। तो दोस्तों इसमें आप बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद उठा सकते हैं इसका फ़ायदा। तो दोस्तों ब्लर विजन भी आप देख सकते हैं इसमें सिंपल में देख सकते हैं। डॉटजर, दोस्तों डॉटजर देखिए कितना खूबसूरत है ब्लर विजन, दोस्तों आप देख सकते हैं। उसके अलावा ब्लर में चले जाए अगर हम तो ब्लर देखिए, फोकस ब्लर, जिस बैकग्राउंड सारा ब्लर हो गया। रेडियल ब्लर तो आप देख सकते हैं इसको, रेडियल ब्लर हो चुका है, पिक्सलाइज हो गया देखिए दोस्तों। तो लेंस ब्लर टोटली ब्लर कर दिया उसने, इसमें बैकग्राउंड ब्लर कर दिया, मोशन ब्लर कर दिया। तो दोस्तों अगर आप इसमें कलर्स में चले जाए तो दोस्तों ये कलर्स भी बहुत सारे देख सकते हैं दोस्तों, ये हमें कलर में बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो रही है। उसके अलावा कलर रिप्लेसमेंट पर अगर हम चले जाए तो कलर रिप्लेसमेंट में दोस्तों हम देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम ये कलर उठा लें तो हम इसका कलर को चेंज कर सकते हैं कहीं पर भी। तो उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हो गया। उसके अलावा डिस्कार्ड कर देते हैं अभी इसको हमने फिलहाल, और रीटच, दोस्तों हम रीटच में इसको हमने बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल है, आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं। और आगे एक स्टिकर्स आ रहे हैं दोस्तों, स्टिकर्स अगर आपने किसी भी किस्म के लगाने हैं या कहीं से भी आपने उठाने हैं सर्च करके तो आप वो लगा सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों ये वाला स्टिकर लगा लेते हैं अभी हम, एक मिनट, ये वाला चले, यही वाला लगा लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये स्टिकर यहाँ पे आ चुके हैं, हमने यहाँ पे कोई भी एग्जांपल है कि यहाँ पे हमने स्टिकर लगाना है ये इस साइड पे करके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने स्टिकर लगा चुके हैं। तो उसके अलावा दोस्तों इसकी कैपेसिटी वगैरह भी हम चेंज कर सकते हैं, एडजस्टमेंट वगैरह, यहाँ पर हम इसकी ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं आप देख सकते हैं, और यहाँ पर हम इसकी क्लैरिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों इसमें फंक्शन, आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको खुद समझ आती जाएगी। तो उसके अलावा दोस्तों हम नेक्स्ट पे चलते हैं अब इसके ऑप्शन पे। तो नेक्स्ट ऑप्शन इसका है पड़ा, एक मिनट,
जी तो ये नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों आप देखते थे कट आउट है दोस्तों। कट आउट में अगर आप किसी भी अपने ऑलरेडी गैलरी की कोई चीज़ वहाँ पे यहाँ पे लेकर आना चाहते हैं, सिर्फ फेस वगैरह लेकर आना चाहते हैं, उसमें काम आ जाता है। टेक्स्ट वगैरह अगर आपने कोई भी चीज़ इसमें टेक्स्ट वगैरह आपने लिखना है तो इसमें वो आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें। और अगर आपको अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं अगर कोई भी आपको सवाल हुआ तो मैं क्लियर कर दूंगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।